हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस एलिमेंट एंड व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्किट का नाम आते ही सब सोचते हैं कि मैदे की बिस्किट ये बनी होगी, तो जी मैंने मैदे की बिस्किट बिल्कुल भी यहाँ नहीं बनाया है, और साथ ही मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी नहीं डाला है। तो भी आप देख सकते हैं कितनी जालीदार बिस्किट बनी, और बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट है, देखने में भी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो ये बिस्किट की रेसिपी मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करती हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ बिस्किट किस चीज़ की है। तो ये बिस्किट है जो आटे में एक्सेस निकलता है ना, चोकर जिसको बोलते हैं, ये बिस्किट उसकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट से सारी बातें बताते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी, वो भी 4 चम्मच के करीब मैंने लिया है एक बाउल में। और साथ ही हमें मिलाना है इसमें पिसी हुई चीनी। मैंने यहाँ मीठे के अकॉर्डिंग ही डाला है 5 से 6 चम्मच के करीब। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पिसी चीनी आप अपने बिस्किट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो फिर मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ये याद रखिएगा, जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे बिस्किट में जाली उतनी अच्छी बनेगी और उतनी ही क्रिस्पी बिस्किट बन के तैयार होगी। तो ठीक इसी तरीके से 5 से 6 मिनट आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। फिर मिक्स करने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाएगा और बहुत हल्का सा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे बराबर मिक्स करते रहिए। अब आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 मिनट मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद कितनी ज़्यादा ये हल्की हो चुकी है। तो इतना ही आपको भी मिक्स करना है। इतना मिक्स करेंगे तो आपको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम क्या डालने वाले हैं, इसमें चोकर 4 चम्मच के करीब हम डालेंगे। इसमें चोकर यानी जो आटे चालते टाइम एक्सेस निकलता है ना, वही मैंने इसमें डाला है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डालूँगी 1 कप के करीब आटा। अगर आप आटा नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। फिर हम डालेंगे बेसन। बेसन भी मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब ही लिया है, ज़्यादा बेसन नहीं लिया है। फिर इन सभी को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर हम डालेंगे 2 बूंद के करीब यानी 2 ड्रॉप वेनिला एसेंस की। फिर इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, वो भी हाथों की मदद से। जितना आप मिक्स करेंगे ये बहुत जल्दी बाइंड होने लगेगा। तो इसी तरीके से आप कम से कम 10 से 12 मिनट तक मिक्स कीजिए। आपको एक्स्ट्रा घी वापस से डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला, उसी को काफ़ी देर तक मिक्स करते इस तरीके से मैंने बना लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा घी और भी मिला लीजिए। फिर अब हमें करना क्या है कि इसके एक भाग को हम लेंगे, एक भाग हटा देंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब कोको पाउडर। फिर इन सभी को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, इन सभी को नहीं, सिर्फ कोको पाउडर और इस डो को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ कोको पाउडर में डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब करना क्या है, ट्रांसपेरेंट से हम प्लास्टिक लेंगे। आपके पास जो भी प्लास्टिक हो उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर में भी सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फोल्ड करके रेफ्रिजरेटर में भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फ्रिज का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मुझे बहुत जल्दी था बनाने के लिए। तो इसी तरीके से मैं प्लास्टिक की एक हेल्प से मैं इसको प्रेस करूँगी और इसे सेट करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से हम इसको दबा के अच्छे से रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और ये बिल्कुल भी ना टूटे। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो नहीं टूटेगा। वापस इसे हमें क्या करना है, बेलन की हेल्प से बेल लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हमें निकाल लेना है। फिर इसका यूज़ मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने 3 पार्ट में इस सीड्स को डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट हम नॉर्मल डो लेंगे, बिना कोको पाउडर मिक्स किया, उसे भी हम इस तरीके से बेल लेंगे। बेलते टाइम टूटता है ये, तो कोई बात नहीं, आप हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर से नाइफ़ की हेल्प से इसको क्लीन कर दीजिए। तो इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हमें करना क्या है, एक सीड को उठाना है और नॉर्मल वाली सीड पे रखते जाना है, यानी कि बिना कोको पाउडर मिक्स की हुई सुई सीड पे। तो इसी तरीके से हम इस तरीके की डिज़ाइन बनाते जाएंगे, नॉर्मल सीड के ऊपर एक कोको पाउडर वाली सीड रख के इस तरीके से हम बना लेंगे। और हाथों से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे प्लास्टिक कवर करके। अब जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा है उसे भी हम इस तरीके से बेल लेंगे और वापस से उस सीड पर रख देंगे चौकोर सा कट करके। तो यहाँ मैंने उस तरीके से कट करके उसके ऊपर रख दिया है और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ नाइफ की हेल्प से ताकि अच्छे से ये चौकोर सेट हो जाए। अब यहाँ एक एक पीस करके सारी बिस्किट को हम कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है और देखने में डिज़ाइन कितनी अच्छी बन गई है। अब मैंने यहाँ प्लेट पे एल्यूमिनियम फॉइल को कवर कर दिया और सारे बिस्किट को इस पर रख दी हूँ। अब एक कढ़ाई मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने डाला है नमक यहाँ पे 1 कटोरी के करीब है। अब इस पर 1 कटोरी हम सेट होने लायक रख देंगे।
अब इसे क्या करना है, फिर कटोरी को हमें निकाल के इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट जब प्री हीट हो जाएगा तो फिर वापस से हम उस कटोरी को रख देंगे और साथ ही बिस्किट वाली प्लेट को भी रख के हम 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे। तो इस प्लेट को मैंने रख दिया है, अगर आप जिस पे भी आपकी सुविधा हो उस पे आप बना सकते हैं, जो भी कटोरी पे रखना चाहते हैं उस कटोरी पे भी आप रख के बना सकते हैं। अब हमें वेट करना है 15 मिनट का, लेकिन बीच में आप देख लीजिएगा एक बार। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारी बिस्किट अच्छे से कितनी फूल चुकी है, और बिना बेकिंग सोडा के या बिना बेकिंग पाउडर के भी कितनी अच्छे से ये बिस्किट फूल चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी सी ये बिस्किट बन गई है। तो 5 मिनट बाद बिस्किट थोड़ी ठंडी हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके बैक पार्ट भी बिल्कुल भी नहीं जला है और ये देखने में कितनी ज़्यादा क्रिस्पी सी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनके तैयार हुई थी। इस तरीके से अगर आप भी बिस्किट बनाएंगे तो आपकी बिस्किट भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप इस तरीके की बिस्किट बनाइए और इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं ये बिस्किट एक तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं तोड़ के मैंने जो बिस्किट दिखाया है उस बिस्किट में भी कितनी ज़्यादा अच्छे से जाली पड़ी है, वो भी विदाउट बेकिंग पाउडर। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि बिना बेकिंग पाउडर के भी ये बिस्किट कितनी अच्छी बन सकती है। तो बिना बेकिंग पाउडर के भी आप बिस्किट अच्छी बनाइए इस तरीके की, और इसे आप स्टोर करके रखिए। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बिस्किट आपकी कैसी बनी। अगर बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो बिस्किट की वीडियो को मेरे बहुत ही शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।